हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आई एम दिव्या। इस वीडियो में आप लोग के साथ मैं वाटर प्रूफ मेकअप शेयर करूंगी, वो भी लैक्मी परफेक्टिंग फाउंडेशन के साथ। और स्टेप बाय स्टेप आप लोग को बताऊंगी कि कैसे हम ये मेकअप को क्रिएट कर सकते हैं। और ये मेरा मेकअप लुक आप देख सकते हैं, ग्लिटर आई मेकअप लुक किया है मैंने यहाँ पे। और ये आप न्यू ईयर के दिन नाइट पार्टी मेकअप कर सकते हैं। तो ये नाइट पार्टी मेकअप में बहुत ही ज़्यादा ग्लो करेगा। अगर पार्टी में जा रहे हो और आपको वाटर प्रूफ मेकअप चाहिए तो ये वीडियो को पूरा स्टेप बाय स्टेप देख लीजिएगा, ताकि आपका कोई भी कंफ्यूजन आपको ना रहे कि कैसे हमें मेकअप क्रिएट करना है, कि हमारा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग हो, काला ना पड़े हमारा फाउंडेशन, हम कोई भी सस्ते से सस्ते फाउंडेशन को इस तरह से मेकअप कर सकते हैं। तो आप कोई भी फाउंडेशन ले लीजिए, आपके पास जो प्रोडक्ट है, जो फाउंडेशन है, उस प्रोडक्ट से, उस फाउंडेशन से आप बहुत ही अच्छा मेकअप कर सकते हो। रोज़ वाटर अप्लाई करने के बाद से मैंने कोई भी आप मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर सकते हो। मैंने पोन्स का जेल मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया, उसके बाद से NYBA का मैंने यहाँ पे प्राइमर अप्लाई कर लिया। आपके पास जो भी है वो अप्लाई कीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको बस तरीका आना चाहिए कि कैसे हमें मेकअप करना है, बस वो आ गया ना, तो आप लोग कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करके बहुत ही अच्छे से मेकअप अपना क्रिएट कर सकते हो। बस आपका फेस क्लीन होना चाहिए, आपका फेस स्क्रब होना चाहिए, आपके फेस पे कोई भी डेड स्किन, वाइट हैंड, ब्लैक हैंड या आपके फेशियल हेयर जमा होने नहीं चाहिए, इससे आपका बिल्कुल भी मेकअप अच्छा नहीं होगा। सारा स्टेप करने के बाद से मैंने कंसीलर अपने आई पे लगाया, प्राइमर को सेट होने दिया 5 मिनट तक। पहले हम आई मेकअप करेंगे, ताकि जो भी आई शैडो या ग्लिटर हमारे फेस पे गिरेगा वो हम अच्छे से रिमूव करके और बाद में अपना बेस मेकअप तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपने आई को प्राइम कर लिया है, मतलब कंसीलर से सेट कर लिया है, ताकि कोई भी क्रीज हो वो बैठ जाए और अच्छे से हमारा आई सेट हो जाए और कोई भी क्रीज ना दिखे हमारे आईज़ पे। ओके, और जितने भी डार्क एरिया हैं वो हाइड हो जाए, ताकि हम कुछ भी लगाए अपने फेस पे तो बहुत ही अच्छे से निखर के आए, उभर के आए और बहुत ही अच्छा दिखे। ओके, तो आप लोग को भी ऐसा सेट करना है। उसके बाद से आपको लूज़ पाउडर से अपना मेकअप सेट कर लेना है, अपना जो आपने कंसीलर अप्लाई किया उसको लूज़ पाउडर से सेट कर लेना है। उसके बाद से हम डार्क ब्राउन, ज़्यादा डार्क नहीं यहाँ पे मैं ले रही हूँ, आप लोग को मैंने दिखाया है, थोड़ा सा हल्का ब्राउन कलर लेकर के, ऑरेंज शेड में जो ब्राउन आते हैं ना, वैसा कलर लेकर के और अच्छे से अपने क्रीज के ऊपर, अगर आपकी आईज मेरे जैसे ये छोटी छोटी, तो अपने आईज को बड़ी दिखाने के लिए आपको थोड़ा सा ऊपर आई का मेकअप करना होता है। जो हमारा आई बोन होता है ना, वहाँ पे इस लाइन को हम ब्लेंड करेंगे, अच्छे से ब्लेंड करना है। आपको कलर दिख नहीं रहा है अभी, लेकिन आप देखेंगे आप बहुत अच्छे से कलर दिखेगा, क्योंकि मैंने उसको ब्लेंड करने के बाद से एक डार्क ब्राउन कलर लेकर के अच्छे से उसको भी मैंने ब्लेंड कर दिया है, ताकि मेरा कुछ भी मतलब हार्श ना दिखे, सब ब्लेंडेड दिखे। उसके बाद से आपको एक आईलिड को क्लीन करना है, क्रीज को कट क्रीज करना है। ओके, तो मैंने अभी जितना भी आईलिड है उसको क्लीन करूँगी कंसीलर की मदद से, अच्छे से NYBA का कंसीलर यहाँ पे मैंने फिर से वही क्लीन करेंगे अपने आईलिड को। क्लीन करने के बाद से यहाँ पे मैंने डार्क ब्राउन सिमरी शेड लेकर के और पूरे आईलिड पर अप्लाई कर दिया है। पूरे आईलिड पर आपको भी अप्लाई करना है, यहाँ पे आप कोई भी कलर ले सकते हो, ये नहीं है कि जो मैंने लिया है वही आपको भी लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कोई भी कलर लेकर के अप्लाई कर लीजिए। उसके बाद से ब्राउ बोन जो हमारा होता है वो, और इनर कॉर्नर होता है वो, अच्छे से हाईलाइट करना है। आप हाईलाइट करना चाहते हो तो कर लीजिए, नहीं चाहते हो तो स्किप करिए, लेकिन हाईलाइटिंग से हमारा जो फेस होता है ना, बहुत ज़्यादा चांद जैसा चमक जाता है, तो हमको यही तो करना है, चांद जैसा फेस को ही चमकाना है ना, तो आपको अच्छे से कर लेना है। उसके बाद से डार्क ब्राउन ग्लिटर लेकर के मैंने पूरे आईलिड पे अप्लाई किया है, जहाँ भी मैंने क्रीज और कट क्रीज क्लीन किया था। उसके बाद से हमें क्या करना है, मस्कारा लगाना है। आईलाइनर में लगा लूँगी, विंग आईलाइनर लगाना। आप देख सकते हैं जो मेरा आईलाइनर था उसका एप्लीकेटर मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने ब्रश लिया हुआ है, जिसका एप्लीकेटर आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा पतला है, एंड क्लीन लुक इससे आईलाइनर आपका आएगा। तो इससे मुझे बहुत ही ईजी हो जाता है आईलाइनर लगाना, तो इससे ही मैं अप्लाई कर लूँगी विंग आईलाइनर, और बहुत ही अच्छे से लग जाता है, आप खुद ही देख लीजिए। विंग आईलाइनर लगाने के बाद से हमें अप्लाई करना है फाउंडेशन। तो फाउंडेशन का हैक है यहाँ पे, आपको फाउंडेशन जरा सा अपने हाथ पे लेना है, जितना भी आपको चाहिए अपने फेस के
अकॉर्डिंग उतना लेना है, और उसके बाद से उसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर को मिक्स करना है। यही है हमारा हैक। यहाँ पे आप पानी भी ऐड कर सकते हो। मैंने रोज़ वाटर इसके अंदर मिक्स किया, आप देख सकते हो, और अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद से अगर आप इसको अपने फेस पे लगाते हो तो ये लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, वाटर प्रूफ रहेगा, एंड बहुत ही जल्दी ब्लेंड हो जाएगा। ब्लेंड करने में आसानी होगा अगर आप जल्दी जल्दी तैयार होना चाहते हो तो। और ये वाटर प्रूफ रहेगा और थोड़ा सा कवरेज इसका जो है ना बहुत ही अच्छा हो जा रहा है, शाइनी हो जा रहा है, जैसे लग रहा है हम लोगों ने कोई ग्लिटर इसमें ऐड किया है, ऐसा शाइनी शाइनी सा लुक आ रहा है। खुद देखिए कितना जल्दी मेरा फेस ब्राइट हो गया, आप कितना अच्छा मेरा फेस दिख रहा है। उसके बाद से जितने भी मेरे अंडर आइज थोड़े डार्क थे, जहाँ जहाँ पॉइंट पे मैं अपना हाईलाइट दिखाना चाहती हूँ, कंसीलर लगाऊंगी, कंसीलर से सेट करूँगी। उसके सेट करने के बाद से हमें तुरंत आई मेकअप, आई का जो क्रीज होता है ना उसको क्रीज ना बने, इसके लिए हमें जल्दी से जल्दी लूज पाउडर से सेट कर देना है। तो यहाँ पे मैं लूज़ पाउडर नहीं ले रही हूँ, फिटनी मैबलिन का, यहाँ पे मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है और उसी से अपना बेस अच्छे से सेट करूँगी। ओके, उसके बाद से मैंने ब्लश अप्लाई किया है। यहाँ पे कोई भी ये नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको महंगे ब्लश ही लेने हैं, आप कोई भी ब्लश लेकर के अप्लाई कर सकते हो। मैंने यहाँ पे ब्लश अप्लाई करने के बाद से मैंने एक कंटूरिंग किया है। अगर आपका फेस ऑलरेडी स्लिम है, आप बहुत ही अच्छे दिखते हो, तो आपको कंटूरिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा फेस बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है, आप खुद ही देख सकते हो कितना चौड़ा फेस है मेरा, तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा ज़रूरत पड़ जाता है, तो मैं इतना भी कंट्रोल नहीं करती हूँ, बहुत ही मिनिमम कर लेती हूँ थोड़ा सा। उसके बाद से मैं नोज़ को भी कर लूँगी, उसके बाद से हाईलाइटिंग करूँगी, जहाँ जहाँ मुझे हाईलाइट करना है अपना, जहाँ उभर के दिखाना है, जितना भी मेरे बोन है, हाईलाइट एरिया है, वो सारे को हाईलाइट करके दिखाना है, तो उसको हाईलाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद से जितने भी मैंने पाउडर अपने फेस से अप्लाई किए थे उसको रिमूव करूँगी, और यहाँ पे थोड़ा सा साफ लुक देने के लिए थोड़ा सा और पाउडर का अप्लाई करूँगी। फिट मी का कॉम्पैक्ट पाउडर है, उसको ही मैं फिर से अपने फेस पे थोड़ा सा और लगाऊंगी, और जितना भी ज़्यादा पाउडर था वो सारा रिमूव करूँगी। उसके बाद आप देख सकते हो मेरा जो लोअर लैशेस था वहाँ पे मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया था, तो वहाँ पे मैं डार्क ब्राउन कलर लेकर के और अच्छे से अप्लाई कर लूँगी, ताकि मेरा अच्छे से मेकअप लुक रेडी हो जाए। उसके बाद से मैंने फेक लैशेस अप्लाई कर लिया है ऑफ कैमरा। उसके बाद से मैं यहाँ पे एल्ले का सेटिंग स्प्रे अप्लाई कर रही हूँ, और अच्छे से डैब डैब करके ब्यूटी ब्लेंडर से उसको अपने स्किन में अब्सॉर्ब कर लूँगी। मैबलिन का मैंने यहाँ पे काजल, पेंसिल काजल लिया है, ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, स्पॉन्ज प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, आप जो भी बोलो वो भी, वो इसमें कम है, बहुत ही अच्छा काजल है ये, और 200 के अंडर ही आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने मस्कारा लगा लिया, बस मेरा आई मेकअप डन है, और लिपस्टिक के लिए मैं लिप्स को लाइन कर रही हूँ ब्रश की मदद से यहाँ पे, और बस लिप्स को लाइन करने के बाद से यहाँ पे मैं NYBA का रेड कलर का न्यूड रेड है और पिंकी शेड में है थोड़ा सा, और इसको मैं अप्लाई करूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा और पिंक चाहिए था, तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा कंसीलर अप्लाई करूँगी। आप लोग देख सकते हो कंसीलर को ब्लेंड कर लेंगे, ऐसे ही नहीं छोड़ना है। कंसीलर ब्लेंड करने के बाद से ऐसा कुछ लुक आ रहा था, बहुत ज़्यादा लाइट हो गया था, तो मैं इसको थोड़ा और ब्लेंड करूँगी बस, और बीच में थोड़ा सा हाईलाइट कर लूँगी। हाईलाइट जो मैंने अपने फेस पे अप्लाई किया वही हाईलाइट थोड़ा सा बीच में दे दूँगी, कि थोड़ा सा हमें ग्लॉसी और चांद जैसा चमकाना है ना फेस को, तो वैसा नज़र आए। और फिर आप देख सकते हो फाइनल लुक। आई होप कि आपको पसंद आ रहा होगा। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। अगर आप लोग को ये मेकअप लुक पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन हिट कर दीजिए, ताकि ऐसे ही मेकअप वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ। एक और मेरा न्यू ईयर पार्टी का मेकअप लुक आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिए। वो सिंपल मेकअप लुक होगा, अगर आप सिंपल करना चाहते हो तो उसमें मैं अच्छे से आपको आई मेकअप एंड बेस मेकअप सिंपल बताऊंगी, और वो भी वाटर प्रूफ मेकअप ही होगा। ये आप देख लीजिए, लाइव वाटर प्रूफ मैं दिखा रही हूँ। मुझे पूरा बेस सेट करने के बाद से ना बहुत ही ज़्यादा डर लगता है पानी गिराने में, लेकिन आप लोग के लिए क्या क्या करना पड़ता है ना, तो देखिए मेरा बहुत ही अच्छे से मैंने पूरा पानी गिराया अपने फेस पे, लेकिन मेरा कुछ भी नहीं निकल रहा है।
अब खुद देखिए लाइव ब्लेंडर से पूरा सोक कर लूंगी जितना भी पानी मेरे फेस पे है। सोक करने के बाद से हाथ से मैं ब्लेंड कर रही हूँ, स्मच कर रही हूँ, बिल्कुल भी मेरा मेकअप नहीं निकल रहा है। तो आप लोग को अगर स्वेटिंग होती है तो भी आपका मेकअप नहीं निकलेगा, लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और ब्लैक भी नहीं पड़ेगा आपका फाउंडेशन, ग्रे नहीं पड़ेगा फाउंडेशन, बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग स्टे करेगा फेस पे। तो ऐसा मेकअप लुक आप क्रिएट कर सकते हो न्यू ईयर के दिन और बहुत ही अच्छा ग्लॉसी लुक, बहुत ही अच्छा लुक पा सकते हो किसी भी आउटफिट के साथ, किसी भी ज्वेलरी के साथ। बाय बाय फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।